वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इसराइल को लेके, और इस बार इसराइल ने ऐसा किया जो कोई कंट्री पहले किया ही नहीं है। एग्जैक्टली क्या क्या? इसराइल ने यूएन के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उनको बैन कर दिया। उनको क्लियरली बोल दिया कि भाई आप इसराइल में बैन हो, आप इसराइल में आ नहीं सकते हो। ऑन द अदर साइड अगर आप इसराइल आते हो या फिर इसराइल के जो बॉर्डर है उनके आसपास अगर आप भटकते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग आपको पकड़ेंगे और जेल के अंदर डाल देंगे। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो दुनिया में कभी भी कोई भी कंट्री इस तरह से यूएन के चीफ के साथ बात भी नहीं किया है, एग्जैक्टली ट्वीट नहीं किया था। ये जो सब कुछ हुआ एग्जैक्टली ट्वीट में हुआ था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए दुनिया में जो बाकी कंट्रीज है वो लोग हैरान है, भाई इसराइल क्या कर रहा है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, इसराइल एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है। ऑन द अदर साइड इसराइल का अगर हम लोग पॉपुलेशन देखें वही 95 से 96 लाख के बीच में है, मतलब 1 करोड़ भी नहीं है। मगर प्रेजेंटली इसराइल जैसे दुनिया में अपना डोमिनेंस शो कर रहा है, नो डाउट ये सैल्यूटेबल है। आज के डेट में अगर देखा जाए, पहले हम लोग देखे गाजा में, उसके बाद हम लोग देखे साउथ लेबनन में, उसके बीच में ही हम लोग देखे यमन में, ऑन द अदर साइड हम लोग को वेस्ट बैंक में भी देखने को मिला। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोकेशन में इसराइल जिस तरह से अपना ऑपरेशन कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल हो रहा है, एक ही साथ डिफरेंट वॉर फ्रंट में इसराइल लड़ रहा है, साथ ही साथ अपने कंट्री के जो सिटीजन है उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रेजेंटली ईरान ने अपने तरफ से इसराइल के ऊपर मोर देन 180 जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बरसाया था। ऑन द अदर साइड इसराइल का कहना है कि भाई हम लोग का एक भी सिटीजन का डेथ नहीं हुआ। इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? रीजन है इसराइल का प्लानिंग। इसराइल अपने सिटीज को या फिर जहाँ एग्जैक्टली इसराइल के सिटीजन रहते हैं वहाँ ऐसे प्लानिंग किया है कि हर बहुत ही मतलब नियर बाई लोकेशन में उन लोगों के लिए बंकर बनाया हुआ है। ये बंकर ऐसा है जब भी कोई अटैक होता है या फिर जब भी कोई इमरजेंसी आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसराइल अपने तरफ से पहले ही अनाउंस कर देता है कि भाई आगे जाके ऐसा कुछ हो सकता है, आप लोग बंकर में छुप जाइए। जो इसराइल के सिटीजन है वो लोग बंकर में जाके छुप जाते हैं, जिसके वजह से 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ इसराइल के ऊपर मतलब फेंकने के बाद भी इसराइल का क्लेम है एक भी सिटीजन का डेथ नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड इसराइल को लेके काफी गुस्सा है। इसराइल का कहना है अगर ईरान जो अटैक किया था उसमें नॉर्मल जो सिटीजन है इसराइल का उन लोगों का भी डेथ हो सकता था, तो आगे जाके इसराइल नो डाउट इसका जवाब देगा। ऑन द अदर साइड इस बीच में यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस अपने तरफ से एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, आई कॉन्डेम द ब्रॉडनिंग ऑफ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ एस्केलेशन आफ्टर एस्केलेशन। मतलब उन्होंने अपने तरफ से एग्जैक्टली इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ जिसमें उनको चाहिए था कि भाई ईरान का ये गलत स्टेप है ये बोलने के लिए, ऑन द अदर साइड उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें कोई भी कंट्री का नाम नहीं आया और उन्होंने ईरान को हाईलाइट ही नहीं किया कि भाई ईरान जो ये किया है ये गलत किया है। तो इसको लेके इसराइल गुस्सा हो गया। ऑन द अदर साइड इसराइल का कहना है कि भाई हम लोग अगर कुछ करते हैं तो दुनिया का जो मीडिया है डिफरेंट टाइप में डिफरेंट लोकेशन में जो है वो लोग अपने तरफ से इसराइल के अगेंस्ट में बहुत सारा ट्वीट करता है। ऑन द अदर साइड जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है तब इसराइल के ऊपर अटैक को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है या फिर हर कोई बोल रहा है कि एस्केलेशन, व्हाट इज एस्केलेशन, इसमें तो कम्प्लीटली ईरान ने हम लोग के ऊपर अटैक किया है। ऑन द अदर साइड यूएन के जो चीफ है वो अपने तरफ से इसको एस्केलेशन टू एस्केलेशन आफ्टर एस्केलेशन कह रहे हैं, तो ये जो है ये गलत है। अगर हम लोग पास्ट में देखें 7 अक्टूबर जिस बार इसराइल के सिटीजन्स का जान गया था इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएन चीफ उसको कुछ गलत नहीं बोला था। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यूएन के तरफ से आज के डेट में भी हमास को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना नहीं जाता, तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हो कि भैया इंडिया का क्या व्यू है। आज के डेट में हमारे जयशंकर साहब हम लोग के तरफ से बोल दिया है कि इसराइल नीड टू रिस्पॉन्ड। ऑन द अदर साइड जयशंकर साहब ने यह भी बोला है कि इसराइल जब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन लोग को देखना चाहिए जो नॉर्मल सिटीजन्स है उन लोगों का सेफ्टी का बारे में भी उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियरली बोल दिया था कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर ये काफ़ी गलत है और इंडिया इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। तो नो डाउट 7 अक्टूबर का जो इंसिडेंट था उसमें इंडिया ने अपने तरफ से इसराइल को सपोर्ट किया है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में अगर हम लोग देखें यूएन का मजाक बना के रख दिया है इसराइल ने। यूएन की तरफ से कुछ भी रेगुलेशन आता है तो इसराइल वो नहीं मानता है। ऑन द अदर साइड इसराइल का अगेंस्ट में अगर यूएन में वोट होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसराइल उसको भाव ही नहीं देता। इसराइल एग्जैक्टली कोई केयर ही नहीं करता है कि भाई यूएन में क्या हो रहा है। और इस बार जब ऐसा ट्वीट आया इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइली कर्ज उनका नाम है और उन्होंने अपने तरफ से ट्वीट करके बोल दिया यूएन के चीफ को कि आप इसराइल में बैन हो, अगर इसराइल में आते हो तो आपको जेल में डाल देंगे। इस यूएन चीफ का ये जो ट्वीट है इसको अगर आप फॉलो करें ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो है वो इसराइल को सपोर्ट किया है और उन लोगों का कहना है कि यूएन चीफ जो है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। आगे जाके यूएन चीफ के तरफ से इसको लेके कुछ बयान नहीं आया, हो सकता है कि आगे जाके यूएन के तरफ से इसको लेके कुछ बयान आए या फिर वो लोग अपने तरफ से फिर से कोशिश करें भाई इसराइल के अगेंस्ट में कोई स्टेप लेने के लिए।
तो जो भी होगा इसराइल को इसके में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसराइल यूएन को लेकर आज के डेट में कुछ केयर नहीं करता है। इसराइल को जो करना है वो कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग को एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर हम लोग डिफरेंट टाइम में देखें तो ये जितना सारा जो संगठन है दुनिया भर में, डिफरेंट टाइप ऑफ जो यूनिटी ग्रुप है, ये लोग जो ग्रुप है ये लोग इक्वली हर कंट्री को ट्रीट नहीं करता है। ये लोग अपने अनुसार डिफरेंट कंट्री को ट्रीट करता है, जिसके वजह से दुनिया में ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो वार है ये और भी ज़्यादा एस्केलेट होता है या नेक्स्ट लेवल पे जाता है। अगर ये लोग न्यूट्रल रह के हर कंट्री को इक्वली ट्रीट करता तो हो सकता था कि आगे जाकर हर कंट्री इन लोगों को मानता, इन लोगों को रिस्पेक्ट करता और दुनिया में ये सारा जो प्रॉब्लम है अभी प्रेजेंटली जिस लेवल पे इन दुनिया में वार चल रहा है या फिर वार लाइक सिचुएशन है ये इतना नहीं होता, ये और भी कम होता। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो है अतनु पॉल, दैट इज़ ATANU SPACE PAUL। अगर आप वहाँ जाते हैं तो डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपका लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगता है वो उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।